देखिए गौतम, मेरे ख्याल में हर किसी का एक अपना अपना नाम होता है। मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि इंडिया में कोई शाहिद अफरीदी हैं। वहाँ पे शाहिद अफरीदी एक ही है और वो एक ही रहेगा। और ये आपकी भूल है कि जिस तरह बोला गया कि शाहिद अफरीदी ग्राउंड छोड़ के भागे नहीं। शाहिद अफरीदी कभी भी ग्राउंड छोड़ के नहीं भागते। उन्होंने सारी ज़िंदगी भगाया है दूसरों को, तो इसी वजह से उनका इतना नाम और जब वो खेलते थे तो मेरे ख्याल इंडिया की बड़ी बात ये तन्वीर की होती थी। शाहिद अफरीदी इतनी कम उम्र वाला तो वाकई भारत में नहीं है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है तो मेरे ख्याल में स्पेशली जो इंडिया की टीम है वो वैसी उनसे भागती थी। तो इंशाल्लाह ताला भी अगर शाहिद अफरीदी प्रोग्राम में आ जाते तो मेरे ख्याल है तो वैसे ही भाग जाएंगे आप लोग। इसलिए यही फर्क है कि हम तीन बार आते हैं ना, इसमें मजीद बात होती रहेगी। यही फर्क है कि हम तीन बार वर्ल्ड कप जीते हैं और वो दो बार, यही इतना ही फर्क है। मेरी नज़र में विराट कोहली भाग गए, उसकी वजह ये है कि इंग्लैंड की वो पूरी सीरीज खेले, इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज में उनको बैक का प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद भी वो मैचेस खेले। जब एक प्लेयर अपने मुल्क के लिए इंग्लैंड की सीरीज खेल सकता है, तो जब उसको ये पता है कि इतना बड़ा इवेंट आ रहा है एशिया कप का, तो मैं अगर इंग्लैंड की सीरीज सरवाइव कर सकता हूँ तो मैं एशिया कप भी खेल सकता हूँ, क्योंकि मेरे मुल्क के मैचेस पाकिस्तान के अगेंस्ट होने हैं। एक मैच में नहीं, फाइनल मिला के तीन वनडे खेले हैं, इसी का काउंट लगातार दे रहे हैं। स्टूडियो में बैठ के तो कोई भी भारी रह सकता है, जितनी विराट कोहली के शतक के उतने तो आपके मैच में भारी है कि आपने पांच मर्तबा दोहराया कि पांच टेस्ट खेले। कभी मैं कह रहा हूँ इतने तो इतने समझदार को इशारा काफी। आपकी कंट्री में भी कितने ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने दो टेस्ट मैचेस खेले। क्रिकेट अपनी जगह होती है, बाकी ये यही फर्क है। जो दो टेस्ट मैच खेले हैं वो पैंतीस या 40-100 बनाने वाले के बारे में नहीं बोलते। आप और हमारे मुल्क में यही फर्क है कि आपके यहाँ पर एक टेस्ट मैच वाला खेलने वाला भी कुछ भी बोल सकता है। देखिए पहली बात तो रहे सिस्टे दिए, क्योंकि अगर आप इंडिया का शेड्यूल देखें और पाकिस्तान का शेड्यूल देखें, वो हमने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में देख लिया था। एक टीम जिम्बाब्वे से खेल के आ रही है और एक टीम पूरे तीन T20, तीन वनडे और पांच टेस्ट मैच खेल के आ रही है। तो आप चाहते हैं कि आप इंग्लैंड से हार के आ रही है, ठीक है भाई साहब? इंग्लैंड से हारना और जिम्बाब्वे से जीतना जमीन आसमान का फर्क है यार। जिम्बाब्वे से तो हमारी इंडिया ये भी जीत सकती है, तो आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हो? क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं है क्या? क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि इंग्लैंड से हारना और जिम्बाब्वे जीतने की बात है, चाहे कोई जिम्बाब्वे से खेले चाहे कोई इंग्लैंड से खेले, तभी सही बात है कि तभी आप फिर अगर इंडिया जाके जिम्बाब्वे को हराएगा आप क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना अच्छी परफॉर्मेंस की है। तभी फिर आप ये बोले ना कि नहीं जी इंडिया की टीम भी जिम्बाब्वे से खेली है जाके, तो हल्की टीम से खेली हम जीत गए। सही बात है, तभी अपनी रैंकिंग देखो और हमारी रैंकिंग देखो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट मैचेस हो। आप जिम्बाब्वे से ही खेलते रहो क्या, ठीक है? आप जिम्बाब्वे बांग्लादेश इन्हीं को हराते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में किसी और के खिलाफ भी खेला था, जीत के आ गए। कोई बात नहीं, एक चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उससे पहले कई बार कुछ नहीं जीते। आप